दोस्तों, यदि आप ओएनजीसी में जॉब करना चाहते हो तो आपके पास बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अभी ओएनजीसी की वैकेंसी निकली हुई है और यदि आप उसमें ओएनजीसी में जॉब करने की थोड़ी सी इच्छा रखते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं स्पेशली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। तो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट, चाहे आपकी एमएससी चल रही है, एमएससी कंप्लीट हो गई हो, अभी आपने हो सकता है गेट क्वालिफाई कर लिया हो या गेट क्वालिफाई नहीं भी हुआ हो, आप हर कंडीशन में इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको नॉलेज मिले, तो आपके डायरेक्शन फिक्स हो सके और आपको उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू मेहनत करनी है ताकि आपके सिलेक्शन के चांस यहां पर ज्यादा से ज्यादा हो सके। यहां पर आपको सबसे पहले देख सकते हैं, यहां पर ओएनजीसी की वेबसाइट खुली हुई है। ओएनजीसी की वेबसाइट पर जब यहां पर आप करियर वाला ऑप्शन चूज करते हो तो इस पर आपको रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आपको यह नोटिफिकेशन दिख जाएगा। जब आप इस नोटिफिकेशन को ओपन करोगे तो आपको यह नोटिफिकेशन मिलेगा। यहां पर आपको बता देता हूं, यह जो नोटिफिकेशन है इसमें सारी डिटेल दे रखी है, अलग अलग पोस्ट के यहाँ पर डिटेल दे रखी है। मैं सबकी बात यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, स्पेशली मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा। अभी जो पोस्ट निकली है जिसको आप अप्रैल मई में जिसका फॉर्म भर सकते हो, वो ईवन लेवल के पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव लेवल के पोस्ट है। 7,000 से लेकर 1,80,000 तक इसका पेमेंट है और इसमें कई प्रकार के अलाउंस मिलते हैं, जैसे HRA, मेडिकल वगैरह, तो जिससे आपकी एक अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर बनती है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह बता रखा है। यहाँ पर मैं जो बात करूँ बेसिकली आपको बता देता हूं, मैं यहां पर केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट की बात करूंगा। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए यहां पर जो पोस्ट निकली है वो एक तो ये वाली पोस्ट निकली है, आप देख सकते हैं ये वाले AEE रिजर्वायर की पोस्ट निकली है जिसमें केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो पोस्ट निकली है यहां पर वो केमिस्ट की पोस्ट निकली है जिसमें भी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए इसमें इसको हमने अलग से समराइज कर रखा है, अलग से समराइज कर रखा है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अलग से हमने इसको समराइज किया हुआ है, ठीक है। यहां पर जो दोनों पोस्ट है उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो, पहली जो पोस्ट है AEE की, AEE रिजर्वायर की पोस्ट है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट है। इसमें आप केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, आपका गेट 2023 क्लियर होना चाहिए, साथ के साथ ही आपकी एमएससी केमिस्ट्री में मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि आपका बीएससी में मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए। मतलब बायोलॉजी वाले, बीएससी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, बीएससी मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपकी होना जरूरी है। और अगर आप दूसरी पोस्ट की बात करें केमिस्ट की पोस्ट, तो इसके लिए भी गेट 2023 आपका क्लियर होना चाहिए, एमएससी में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी कुछ खबरी यह है कि यहाँ पर अगर आपके बीएससी मैथमेटिक्स या बीएससी बायोलॉजी, तो दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए, केमिस्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। साथ के साथ आपको बता देता हूँ कि अगर आप एमएससी अपेयरिंग में है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आपकी एमएससी भी चल रही है लेकिन गेट आपका क्वालिफाई हो गया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है कि आपकी जो एमएससी है वो 31 जुलाई 2023 से पहले पहले क्वालिफाई हो जानी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है ऑटोमेटिक कैंसिल यहां पर मान लिया जाएगा। अब एज लिमिट की बात कर सकते हैं, तो एज लिमिट में यहां पर देख सकते हैं, देखो जो AEE ड्रिलिंग और सीमेंटिंग की जो है, उसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उन सभी के लिए एज लिमिट ये है। और बेसिकली मैं बात करूं AEE ड्रिलिंग और सीमेंटिंग वालों के लिए जो एज लिमिट है वो ये है। केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया यही रहेगा, इस वाले से उनको कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अनरिजर्व EWS कैटेगरी के स्टूडेंट है 30 ईयर, उनके लिए एज लिमिट है, ओबीसी के लिए 33, SC ST के लिए 35, PWD के लिए यहाँ पर 40 इयर्स है। PWD कैटेगरी में अगर आप ओबीसी के हो तो 3 ईयर का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST के हो तो 5 ईयर का यहाँ पर एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो 35 ईयर की आपकी एज लिमिट है। और अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, मतलब पहले से ONGC में जॉब करते हो, तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये अप्रैल मई के अंदर इसका फॉर्म निकलेंगे, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ONGC की वेबसाइट पर ही लिंक एक्टिवेट होगा, वहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर अपन बात कर सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसके लिए सीधा सीधा क्या है कि आपका जो गेट 2023 का स्कोर कार्ड रहेगा उसके बेसिस पर, और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमएससी वगैरह उसके बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ध्यान देना, गेट 2023 के बेसिस पर और साथ के साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमएससी वगैरह के बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होगा उनके पास डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, फिर इंटरव्यू के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होगा। ये यहां पर बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस होगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो, 2022 का जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो क्या था, 2022 में एक्चुअली क्या किया गया था
कि गेट 2000 टोटल 100 मार्क्स सेट किए गए, 100 मार्क्स में से 60 नंबर तो गेट 2022 के सेट किए गए, ठीक है। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें असिस्टेंट क्वालिफिकेशन एमएससी वगैरह के आपके 20 मार्क्स सेट किए गए। अगर आपके पास पीएचडी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पीएचडी है तो उसके 5 मार्क्स एडिशनली यहाँ पर शो किए गए। इस तरह से क्वालिफिकेशन के आपको 25 मार्क्स यहाँ पर दिए गए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर गेट का वेटेज 60 मार्क्स रखा गया है, क्वालिफिकेशन का वेटेज 25 मार्क्स रखा गया है, टोटल मिलाकर 85 मार्क्स हो गया। 85 मार्क्स में से कितने मार्क्स आपके आए उसके बेसिस पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया, फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अब इंटरव्यू रखा गया है 15 मार्क्स का, कितना 15 नंबर का। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है तो मिनिमम पासिंग मार्क्स इंटरव्यू में 9 मार्क्स रखे गए, मतलब 60%, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो मिनिमम 40% मार्क्स रखे गए, मतलब यहां पर 6 मार्क्स आपके रखे गए। अब अगर इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो जाता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, नहीं होता है तो फिर आप फिर से लाइन से बाहर हो जाता है, दोबारा आपको प्रिपरेशन करनी यहाँ पर पड़ेगी। तो टोटल फाइनल सिलेक्शन होगा वो 100 मार्क्स में से होगा। तो दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन आपके जरूर समझ में आ गई होगी, और भी किसी तरह का भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि हम वहां पर आपकी हेल्प कर सके। अब दोस्तों यदि आपका गेट 2023 में बहुत अच्छी रैंक आई है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर अप्लाई करिए और जॉब लगने पर आप मजे लीजिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, गेट में आपके कम रैंक आई, आप फिर से इंप्रूव करना चाहते हो, या फिर गेट में आपका अभी सिलेक्शन ही नहीं हुआ हो, या फिर आपकी एमएससी चल रही है लेकिन आपको गेट क्वालिफाई करके ओएनजीसी वैकेंसीज के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना हो, आपको सिलेक्शन लेना हो, और इस तरह का आपका लक्ष्य है, तो एचगोड क्लासेस यहां पर आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर सीएसआई नेट एंड गेट के फुल ऑनलाइन कोर्स टेस्ट सीरीज साथ के साथ प्रवेश एडमिशन बैंक के ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे खास बात है कि ये जो कोर्सेज है इनको आपको डायरेक्ट ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे तो हमने बिल्कुल नाम मात्र की प्राइस पर ये कोर्स रखे, बहुत ही कम प्राइस पर हम ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, स्टूडेंट के हेल्प के लिए उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप डायरेक्ट इनको ज्वाइन करो ही मत। तो आप इनको ज्वाइन करने से पहले इनका फ्री ट्रायल कोर्स ज्वाइन करो, और पहले कुछ दिनों तक आप इन कोर्स के थ्रू अपनी को करके देखो, पढ़कर देखो, जब आप फुली 100% सेटिस्फाई हो जाए तो आप फिर इन ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको केवल कुछ हेल्प की ही नीड है तो उस कंडीशन में आपको फिर फुल कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर सीएसआर नेट एंड गेट का फ्री ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है, फ्री ऑनलाइन कोर्स के थ्रू भी आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने स्टूडेंट के हेल्प के पर्पज से बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट को यहाँ पर प्रोवाइड किया है। अब अगर आप चाहे आपको पेड कोर्स लेना हो या चाहे आपको फ्री कोर्स ज्वाइन करना हो, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, या इसी वीडियो का आप कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहां पर इनकी डिटेल से संबंधित वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। साथ में एप्लीकेशन आप किस प्रकार से डाउनलोड करोगे वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करना मत भूलिएगा, हम जितना हो सकता है आपकी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू।